नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पोल्ट्री। तो दोस्तों स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज जो हमारे चिक्स को हो गए हैं वो 14 दिन हो गए हैं, 14वां दिन है, मतलब 14 दिन चल रहा है ये। और इससे पहले आपने देखा होगा 13 दिन हमने वैक्सीन करी थी गम्बोरो की। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वैक्सीन वाली वीडियो भी देख लेना। और वैक्सीन करने के बाद आज 14वां दिन है और आज के दिन में हम इनका वेट भी करने वाले हैं। तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको मतलब 2 हफ्ते में 2 वीक 14 दिन में कितना वेट आया ये भी दिखाऊंगा। बाकी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ फार्म में क्या क्या हमने किया है, क्या क्या हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, जैसे कि मैं बता रहा था कि पिछले ना 8 तारीख से मतलब वीडियो नहीं आई थी। तो 8 तारीख पिछले मतलब 2 दिन में, मतलब कल 13 था तो 13 और 12वें और 11वें दिन में बहुत ज़्यादा मतलब मोर्टेलिटी हुई थी। मतलब एक दिन हुई थी 7 और एक दिन हुई थी 8। तो आज उसके मुकाबले एक मोर्टेलिटी रुक रखी है। तो 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी और वीडियो मैंने बनाई थी वो नेट के कारण मैं आपको बता नहीं पाया, बट बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी। बट आज के दिन एक मोर्टेलिटी है, मतलब पूरे रात भर में एक मोर्टेलिटी हुई है अभी तक का, वो भी बहुत वीक बच्चा था। बाकी अभी ये देख लो शाम तक का जो है अभी तक का इसमें मोर्टेलिटी तो नहीं है अभी। और ये देख सकते हो यहाँ, तो उसमें भी जो उससे पहले दिन हुई थी 13 और 14 को, जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था मोर्टेलिटी वो हुई थी, जो हमने यहाँ पे सेपरेट करके रखे हुए थे ना, ये जो वीक बर्ड हमने सेपरेट करके रखे हुए थे इनमें उसे हुई थी। और आज भी जो मोर्टेलिटी हो रखी है वो इसी में से हो रखी है। ये देखो जो ये है, ये कमज़ोर है, आपको दिख ही रहा होगा, इसके इनके मुकाबले आपको वो वीक दिख ही रहा होगा पहले से ही, तो वो है। और मेरे ख्याल से देखो एक ये भी है, तो ये वीक हमने पहले से ही निकाल के रखे थे। तो कल भी जो सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी हुई थी 2 दिनों में, जो लूले लंगड़े जो थे बहुत ज़्यादा वीक उनमें से हुई थी, बाकी कुछ जो थे यहाँ थे इनसे हुई थी। बट आज अभी तक का अंदर कोई भी मोर्टेलिटी नहीं है, इस साइड में कोई भी नहीं है, ठीक है। और बाकी हम ये लगाने वाले हैं आज के दिन, क्योंकि पानी है ना बहुत तेज़ी से पी रहे हैं और मैं वैक्सीन का ही वेट कर रहा था। वैक्सीन के बाद हमें इन्हें वो करना था, चेंज करना था, क्योंकि हम लगा रहे हैं अभी निप्पल सिस्टम स्टार्ट करेंगे और निप्पल सिस्टम के साथ साथ ये स्टार्ट करेंगे हम, फ्लोटिंग कप लगाएंगे। तो इस साइड वाली लाइन में हमने लगा दिए, अगर आप देखोगे ये, अगर यहाँ पर देखोगे आप तो ये लगा दिए हमने, ये देखो। तो अभी लाइन स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे से ये वो मतलब वहाँ तक का लगा दिए, अभी क्या करना है लाइन को भी एडजस्ट करना है कि कोई लीकेज ना हो, साथ ही साथ इसे ऑन करना है। बाकी लगा दिए हैं उस वाली लाइन में, अभी तक नहीं लगा रखे हैं, इसमें नहीं लगाए हैं और इसमें, दो लाइन में नहीं लगाए, तो इन दोनों लाइन में भी ये लगा देते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मतलब किस तरह से ये कंफर्टेबली इसमें से पानी पीते हैं। और अभी देखो मैंने सुबह ही लगाया था पानी 6 बजे, और 6 बजे इन्होंने पानी ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और मॉर्निंग के पानी में मैंने क्या दिया था वो बता देता हूँ। जो मैंने मॉर्निंग में पानी दिया था इन्हें 6 बजे, इसमें दिया था एक इम्नोटास दिया था मैंने, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये दिया था 350 ml, ये दिया था, साथ ही में MTM दिया था, ठीक है। और एक हमने दिया था सेफ गार्ड, ये माइक्रो गार्ड। तो ये 3 चीज़ें मैंने दी थी मॉर्निंग के पानी में। और मॉर्निंग के पानी के बाद अब निप्पल सिस्टम स्टार्ट कर देते फटाफट से, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से पानी पी रहे हैं निप्पल सिस्टम से। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं निप्पल सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है और फ्लोटिंग कप भी स्टार्ट हो गए हैं, और ये उसमें से पानी पी रहे हैं हल्के हल्के। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पानी इनमें भर चुका है और इनमें से पीने भी लग गए हैं। तो फ्लोटिंग कप लगाने का मतलब अगर आप निप्पल नहीं लगा के डायरेक्ट फ्लोटिंग कप भी लगाते हो ना तो वो भी सही है, क्योंकि
क्योंकि जब ये लग जाता है ना फ्लोटिंग कप, जब आप लगा देते हैं तो निप्पल से बहुत ही कम लोग मतलब चिक्स पानी पीता है, वो देखो कोई कोई इक्का दुक्का पी रहे होंगे, नहीं तो यहीं आते हैं। वो देखो निप्पल सिस्टम से भी पी रहे हैं, दोनों से पी रहे हैं अभी तो फिलहाल पानी। बट ये जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े जब होते हैं तो ये खाली इससे ही पीते हैं, अभी ये छोटे हैं तो ये देखो सारे के सारे लग गए पानी पीने के लिए, तो इनके लिए ईजी होता है इससे पानी पीना। और ठंडियों में तो तभी भी वो रहता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा क्या होता है, अगर ये पानी कम पियेंगे हीट स्ट्रोक का चांस रहता है, बट अगर कंटिन्यूस में पानी रहता है ना तो ये गर्मियों में भी अच्छा पानी कंज्यूम करते हैं, अच्छा पानी उठाते हैं, तो फ्लोटिंग कप इसलिए ज़रूरी भी है। तो अगर आप देख सकते हैं सारी जगह जितने में भी लगा है ये लोग पी रहे हैं यहाँ पे, और बाकी ये तो लग गए हैं सारी जगह और सब जगह पीने लग गए। बाकी अभी थोड़े छोटे डब्बों में भी पानी भर के रखेंगे, ताकि हल्के हल्के करके एक एक करके हल्के हल्के इन्हें कम करते रहे, तो अभी थोड़ी देर में इन्हें भी भर देते हैं और ये जो स्पेस है ये भी बढ़ा देते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा कैसा मैनेजमेंट लग रहा है हमारा आज का, आज 14वां जो दिन है उसका कैसा लग रहा है। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा अभी तक का। सो गाइस ये देख सकते हैं रात का टाइम, और हमने इनका स्पेस बढ़ा दिया है, आप देखेंगे पहले वहाँ पे था, अब इन्हें यहाँ पे कर दिया है, और अब काफ़ी जगह हो गई है, इनफ जगह हो गई है इनको दौड़ने के लिए, घूमने के लिए और खाने के लिए, ताकि ये जल्द ज़्यादा गंदा भी ना करे फार्म, और इसकी रैकिंग भी अच्छे से हो जाए, गुड़ाई भी अच्छे से हो जाए। और पानी के लिए आपको पता ही है निप्पल सिस्टम लगा दिया है और ये फ्लोटिंग कप लगा दिए, साथ ही साथ अभी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसी से ही पी रहे हैं। तो डब्बे अभी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं 10-15 डब्बे छोटे छोटे रखेंगे, अगर इसमें खुद मतलब कोई कोई छोटे छोटे हैं अगर वो इससे नहीं पी पा रहे हैं तो वो इससे पी लें, बाकी ऑलमोस्ट ये पी ले रहे हैं इससे। और बाकी रात को दवाई चल रही है, रात को दे रहे हैं हम इन्हें गुड़ का पानी, गुड़ का पानी मैंने गुड़ लिया है इसमें 1 किलो 700 ग्राम गुड़ ले रखा है, साथ ही साथ मैंने इसमें दे रखा है लीवर दे रखा है 300 ml, उसके साथ मैंने इसमें दे रखा है आपका MTM दे रखा है, इसमें MTM भी यूज़ कर रखा है, और हमने यूज़ किया है इसके अलावा इसमें यूरोनेक्स, ठीक है यूरोनेक्स भी यूज़ कर रखा है, और साथ ही साथ विटामिन, तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर रखी हैं ये पानी में। और इस पानी को मैं टैंक में देने वाला हूँ, और 100 लीटर पानी देते हैं इन्हें रात के लिए, देखते हैं 100 लीटर पी पाते हैं नहीं पी पाते हैं पूरी रात भर में, तो 100 लीटर मैं भर के इसको टैंक में डाल दूंगा, अच्छे से मिला लें। टैंक में डालने से पहले इसे अच्छे से घोल लेना, कोई भी गुड़ नहीं रहना चाहिए क्योंकि गुड़ काफ़ी ज़्यादा है, ये 1 किलो 700 ग्राम गुड़ था, तो गुड़ को भी अच्छे से घोल लें और टैंकी में भी इसे अच्छे से घोलें, और एक बार हो सके तो इसे छान लें, ताकि कोई अगर ऐसे हो वो आपकी पाइपलाइन में ना जाए, कुछ टुकड़े या कुछ बचा हो या अच्छे से ना घुलाओ तो वो आपके पाइपलाइन में ना जाए, तो इसे छान भी लेना। और बाकी ये देख सकते हो अभी कैसे कंडीशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मेरा मैनेजमेंट चल रहा है शुरू से शाम तक का, और नेक्स्ट वीडियो में तो आपको मैं दिखाई दूंगा कि इनका वेट कितना आया, इससे जो अब बाद की वीडियो आएगी इसके मतलब इसके अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं हम इनका वेट देखेंगे कि इन्होंने 2 वीक्स में कितना वेट दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पोल्ट्री फार्मर भाइयों के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।